हमारा चंद्रमा और ये है मून का साउथ पोल जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है 23 अगस्त 2023। अगर सब कुछ सही रहा तो शाम को 5:30 और 6 के बीच में चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा और होपफुली इंडिया वर्ल्ड का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किया हो। मून पर आज तक जितने भी सॉफ्ट लैंडिंग्स हुए हैं वो सारे के सारे इक्वेटर के पास में ही हुए हैं, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर लैंड करना ज्यादा इजी और सेफ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कंपैरेटिवली इक्वेटर ज्यादा फ्लैट है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर सनलाइट भी पहुंचती है जिससे सोलर एनर्जी से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। इससे अपोजिट साउथ पोल के कई रीजन पर अभी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है लेकिन मून 1.5 डिग्री पर ही झुका हुआ है। यही वजह है कि मून के कई क्रेटर्स में हजारों सालों से सनलाइट नहीं पहुंची है। इन एरियाज को PSR यानी परमानेंटली शैडोज रीजन कहते हैं। दूसरा, साउथ पोल की सरफेस बहुत ही ज्यादा अनइवन है, यहाँ पर हाई माउंटेन्स भी है और डीप बेसिन भी। तो सवाल ये होता है कि इतनी ऑड सिचुएशन होने के बाद भी इसरो अपना चंद्रयान 3 साउथ पोल पर ही क्यों लैंड करना चाहता है? Well, इसके मेनली 3 रीजंस है। पहला रीजन है यहाँ का टेम्परेचर। साउथ पोल पर टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने लो टेम्परेचर में अगर वाटर हुआ तब भी वो फ्रोजन फॉर्म में ही होगा। इतना कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से साउथ पोल की सरफेस के नीचे दबा कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में लंबे समय तक स्टोर हुआ हो सकता है। डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट्स गिरीश लिंगन्ना का मानना है कि इन आइस मॉलिक्यूल्स के नीचे मून रॉक और अर्ली सोलर सिस्टम के क्लूज छुपे हो सकते हैं। यही वजह है कि इसरो अपना चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करना चाहता है। दूसरा रीजन है मैसिव एंड बेसिन। मून पर हाई माउंटेन्स को मैसिव और डीप वैलीज को बेसिन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन हिमालय और डीपेस्ट वैली यारलंग जांगबो के इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वैसा ही वेरिएंस मून के माउंटेन और बेसिन के बीच में भी होने की संभावना है। मून का सबसे डीपेस्ट एकन बेसिन 2500 किलोमीटर वाइड और 8.2 किलोमीटर डीप है, मतलब इस बेसिन में हमारा पूरा के पूरा हिमालय समा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है चंद्रयान 2। 2019 में चंद्रयान 2 साउथ पोल पर ही क्रैश हुआ था जिसका मेन रीजन सॉफ्टवेयर फेलवर था। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 2 से पहले हमारे पास साउथ पोल की कोई क्लियर इमेज नहीं थी, लेकिन क्रैश होने से पहले चंद्रयान 2 ने साउथ पोल की क्लियर इमेज हमें भेज दी थी और यही इमेजेस अब चंद्रयान 3 को लैंड करने में हेल्प करेगी। चलिए, साउथ पोल की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, अब चंद्रयान 3 के मेन ऑब्जेक्टिव्स को भी जान लेते हैं। चंद्रयान 3 के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स है। उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग। लैंडिंग से पहले लैंडर को 90 डिग्री पर रोटेट होना कंपलसरी है जिससे मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चंद्रयान 2 मून सरफेस के कुछ किलोमीटर पहले ही सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से 180 डिग्री पर रोटेट हो गया था और इसी वजह से वो क्रैश भी हुआ था, लेकिन इस बार इसरो ने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं और पिछली बार की गलतियां रिपीट ना हो उसका पूरा ध्यान रखा है जिससे मून पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। दूसरा है रोवर का डेमोन्स्ट्रेट करना। चंद्रयान 3 में प्रज्ञान नाम का रोवर है जो एक 6 व्हील डिजाइन है जिसका टोटल वेट 26 kg है। एक बार सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद फेज 2 में लैंडर का फ्रंट पार्ट ओपन होगा और प्रज्ञान रोवर मूव करता हुआ मून पर लैंड करेगा। ये रोवर की रेंज 500 मीटर है। अगर ये रोवर मून पर सक्सेसफुली मूव कर पाता है तो भारत का स्पेस में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। थर्ड है इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इन सीटू का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका ओरिजिनल और नेचुरल पोजीशन में एक्सपेरिमेंट करना। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मून रॉक और वहां की मिट्टी को सैंपल के तौर पर जमीन पर लेकर आया था और आज तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन चंद्रयान 3 मून की नेचुरल पोजीशन को डिस्टर्ब करे बगैर रिसर्च करना चाहता है। 2 दिन पहले ही चंद्रयान 3 का क्लोज कॉम्पिटिटर रशिया का ल्यूना 25 क्रैश हो गया। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।